इस पे आके कैंडल स्टिक्स स्टडी की कि कैंडल स्टिक्स कैसे बनती हैं, किस तरह से उनको रीड किया जाता है, किस तरह से ट्रेड किया जाता है, ठीक है, उनके ओपन हाई लो क्लोज किस तरह से बनते हैं, रेंज क्या होती है कैंडल की, ठीक है, ये कैंडल्स जो हैं, फिर सिंगल जो कैंडल स्टिक्स हैं उनकी फॉर्मेशन, वो ट्रेंड रिवर्सल कैसे देती हैं, वो किस जगह पे बनती हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अभी जो आज हम इसी टेक्निकल्स में जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, हमने मैबोजो पढ़ लिया था, डूजी पढ़ लिया था, स्पिनिंग टॉप पढ़ लिया था, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार्स, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है हमने इन डिटेल डिस्कस की हैं हमारी जो प्रीवियस टू क्लासेस हैं उनमें। तो आज जो हम जो कम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, यानी जिनमें दो से तीन कैंडल्स इन्वॉल्व होती हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो पैटर्न्स हैं, कम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न जिन्हें कहते हैं, ओके गाइस, हम देख रहे थे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उनमें बुलिश इंगल्फिंग है। आज हम जो हैं हमारे बुल मार्केट के लिए, जो बुलिश मार्केट के लिए पैटर्न्स हैं, हम उनको देखेंगे। इनमें हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग है, पीर्सिंग लाइन पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार है, थ्री वाइट सोल्जर्स और ट्वीजर्स पैटर्न जो हैं, हम इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो पैटर्न है वो बुलिश इंगल्फिंग है। तो बुलिश इंगल्फिंग जो है ये दो कैंडल स्टिक्स को मिला के बनता है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह से बनेगा। ये देखें, इस तरह से होती हैं दो कैंडल्स, एक बेरिश कैंडल है, रेड कैंडल है या ब्लैक कैंडल है, आपने जो भी कलर दिया होगा वो आप पे डिपेंड करता है। आपकी ये जो बेरिश कैंडल है जिसका ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, मार्केट यहाँ से ओपन हुई है और यहाँ भी आगे क्लोज हुई है, तो ऐसी कैंडल को बेरिश कैंडल कहते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, बुलिश कैंडल बनती है, जो चीज़ बुलिश इनगल्फिंग में माने रखती है, जिस चीज़ की अहमियत मानी जाती है, वो ये गैप है, ये यहाँ पे गैप, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है इस लाइन पे, लेकिन ओपन यहाँ से हो रही है, नेक्स्ट कैंडल जो है वो इतना गैप दे के ओपन हो रही है। तो आप जो है, अगर इस तरह आपको मार्केट मिलती है, तो इस चीज़ में आप जो है बुलिश इंगल्फिंग मान सकते हैं। किस तरह के मार्केट में, एक ये जो है बेरिश कैंडल है, उसके बाद मार्केट में जो नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई है वो यहाँ से शुरू हुई है, ये मार्केट में गैप आया और इसने इस सारी को इंगल्फ कर लिया, यानी इस वाली कैंडल को इस कैंडल ने साथ क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया। अगर आप इसको उठा के इस साइड पे ले जाएंगे, सारी की सारी इंगल्फ होती जाएगी, ठीक है। ये वाला जो गैप है ना यहाँ पे, ये वाला जो गैप है ये बड़ा ज़रूरी है बुलिश इंगल्फिंग में, ठीक है, फिर जाके आप इसे बुलिश इनगल्फिंग मान सकते हैं। अगर क्या होता है, मार्केट में इस तरह कैंडल बेरिश बनी है और इसी के साथ यहीं से मार्केट में एक बुलिश कैंडल बन गई है, ये इनगल्फिंग हो गई है, तो आप इसे बुलिश इनगल्फिंग नहीं कह सकते। कह देते हैं लोग, कहते हैं सारे बुलिश इनगल्फिंग, लेकिन वो बाई डेफिनेशन बुलिश इनगल्फिंग नहीं होती। इनगल्फिंग ज़रूर होती है, लेकिन वो बुलिश इनगल्फिंग नहीं होती। उसके जो आप कह लें अहमियत है, रिलायबिलिटी है, वो बहुत कम हो जाती है। इसके लिए ज़रूरी है बुलिश कैंडल ओपन्स एट और लोअर देन द प्रीवियस कैंडल्स क्लोज। ये जो गैप है, यहाँ गैप से ओपन हुई, मार्केट में यहाँ नीचे आई, उसके बाद जो है इसकी जो लेंथ है वो इनगल्फ कर जाती है इस वाली कैंडल को। ये जो कैंडल है इसको सारी की सारी को, ये वाली कैंडल जो है ये इनगल्फ करेगी, ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाएगी।
ऐसी अगर आपको कोई सिचुएशन नजर आती है मार्केट में तो इसे बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं। ये रेयरली होता है मार्केट में, बहुत कम बनती है, बहुत ज़्यादा नहीं बनती मार्केट में, ठीक है। हाँ, अगर आपको एक चीज़ आ रही है कि मार्केट जो है वो इस तरह मूव करती हुई आ रही है ऊपर से नीचे को, ठीक है, इस तरह से मूव करती हुई आ रही है, फिर क्या होता है अचानक से एक बड़ी सी कैंडल होती है इस तरह से आती है। अगर ये वाला मार्केट के पास रेजिस्टेंस लेवल था, सपोर्ट सॉरी सपोर्ट लेवल था, तो यहाँ से मार्केट इसको ब्रेकआउट देती है नीचे को, और देने के बाद यहाँ से मार्केट वापस फौरी तौर पे इन्वॉल्व होती है और यहाँ पे आ जाती है, जिसे हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है। इसमें स्मार्ट मनी मनी इन्वॉल्व होती है, जिन लोगों ने यहाँ पे अपने SLTP वगैरह स्टॉप लॉस लगाए होते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही होती है मार्केट में, मार्केट मेकर जिसको बना रहे होते हैं, तो इस अगर इस तरह की आपको कहीं पे कोई इंगल्फिंग नज़र आ जाती है तो वो भी आपकी वैलिड इंगल्फिंग है, उसको आप जो है नेक्स्ट वो आपको इस तरह कैंडल्स जो हैं वो दे सकती हैं बाइंग, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है इस कैंडल के जैसे ये क्लोज होती है तो यहाँ पे जाके आप अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं इस जगह से, ठीक है। और यहाँ से उसके बाद जो आपका स्टॉप लॉस है वो इसके हाफ में रख लें या इसके एंड पे रख लें, वो आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो पे डिपेंड करता है। होप सो कि आपको बुलिश इनगल्फिंग जो है ये काफ़ी हद तक जो है ये समझ आ गया होगा। हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देखेंगे। अब यहाँ पे देखें मार्केट में, यहाँ पे भी बुलिश इनगल्फिंग हो रही है, अगर आप इसमें गौर करें मार्केट आई और आने के बाद जैसे ही नीचे आई उसके बाद इस कैंडल ने मार्केट में इस कैंडल को, ये जो साथ छोटी कैंडल है इसको इनगल्फ किया, और उसके बाद ये देखिए मार्केट चली गई। ये आपके लिए कोई भी एंट्री पॉइंट नहीं है, कहीं अगर कोई बंदा समझता हो कि हम इसको देखते हुए जो है वो मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, ये एंट्री के लिए नहीं है, इसके बनने की जगह है, ये किस जगह पे बनता है और किस हिसाब से हमने इसमें एंट्री लेनी है वो डिपेंड करता है। मार्केट के किसी मिडल हिस्से में, किसी दरमियान में जाके कहीं पे बुलिश इनगल्फिंग हो जाती है। अब यहाँ पे देखें ये कितनी स्ट्रांग है, आप इसको क्यों मानेंगे हम स्ट्रांग, क्योंकि ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल जो था, ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट के पास, ये वाला इस लेवल में आके बन रही है, ठीक है। अगर इस लेवल में आके मार्केट बना रही है तो ये एक वैलिड एंट्री हो सकती है, ये देखें, ठीक है। ये आपके पास क्या था, एक सपोर्टिव लेवल था, सॉरी मैंने रेजिस्टेंस बोल दिया था पहले, ये आपके पास एक सपोर्टिव लेवल था। इस लेवल पे आके मार्केट जो है अगर बुलिश इंगल्फिंग देती है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, ये एक एंट्री ट्रेकर के तौर पे काम करता है सपोर्टिव लेवल पे, ठीक है। लेकिन इसकी रिलायबिलिटी मीडियम मानी जाती है, ज़्यादा हाईली रिलायबल नहीं है, किसी भी टाइम आपका जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो हिट कर सकता है, ठीक है। और मैं वैसे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के थोड़ा सा खिलाफ होता हूँ कि मार्केट जो है ऊपर से इतने लंबे ट्रेंड के साथ नीचे आ रही है, क्या ये एक कैंडल बनेगी और मार्केट को सारे के सारे ये जो 20 कैंडल्स ने ट्रेंड बनाया होता है और इस ट्रेंड को चेंज कर देगी। हाँ, अलबत्त ये चीज़ जो है कब थोड़ी सी रिलायबल होती है मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ी सी रिलायबल कब होती है। अब लोग क्या करते हैं, जो साइकी, कॉमन लोगों की साइकी और जो असल चीज़ है उसमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ बुलिश इनगल्फिंग का। होता ये है कि मार्केट आ रही है इस तरह से ना, डाउन ट्रेंड में आ रही है मार्केट, और यहाँ पे आके जो है ना बुलिश इनगल्फिंग होती है और हम बाइंग लगा देते हैं, ठीक है। अब जब डाउन ट्रेंड में आती मार्केट में आप बाइंग लगाएंगे तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी, ठीक है। आप कभी भी डाउन ट्रेंड में आती मार्केट में अगर यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग आपको मिल भी जाती है, इस जगह पे कहीं पे आपको बुलिश इंगल्फिंग मिल भी जाती है, तो आप कभी भी मार्केट में ट्रेड ना करें, ठीक है, मार्केट में ट्रेड ना करें। ये जो बुलिश इंगल्फिंग है इसकी रिलायबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। आपने ट्रेड कब करना है, जब अब देखना ये डाउन ट्रेंड है, इसका ट्रेंड चेंज ही नहीं हुआ, तो सिर्फ एक कैंडल तो ट्रेंड चेंज नहीं कर देगी ना, आपने बुलिश इनगल्फिंग को ट्रेड कब करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जब मार्केट इस तरह से मूव कर रही है, यानी कि मार्केट साइडवेज में मूव कर रही है, एक मार्केट रेंज बना रही है, ठीक है, इस रेंज में अब मार्केट चल रही है, तो अब अगर यहाँ पे इस जगह पे बुलिश इनगल्फिंग हो रही है इस जगह पे, तो आप कि ये वैलिड ट्रेड्स हो सकती हैं,
ठीक है, यहाँ पे आपका मार्केट का चीट, क्योंकि मार्केट जो है किसी ट्रेंड में नहीं है, एक रेंज में चल रही है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्रीज देखते हैं बुलिश बेरिश इंगल्फिंग को देखते हुए, तो यहाँ पे आपकी जो इंगल्फिंग है वो थोड़ी सी जो है ना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आप ट्रेंड में आती मार्केट में, तो मार्केट ट्रेंड में आ रही है और आप सिर्फ ये देखें कि यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग हो गई है तो हम ये मार्केट बूम कर जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मार्केट का स्ट्रक्चर जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। स्ट्रक्चर ब्रेक जो है वो मैं आप लोगों को काफ़ी बार बता भी चुका हूँ कि कैसे होता है मार्केट में। स्ट्रक्चर ब्रेक ये होता है कि मार्केट जा रही है अप ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट हायर हाइस बनाती जा रही है, हायर लो, फिर मार्केट ने हायर लो लगाया, हायर हाई लगा दिया। अब क्या होगा कि मार्केट में मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है और ये वाला लो जो है इसको अमेंड करते हुए, ये वाला लो है इसको अमेंड करते हुए नीचे आके क्लोज कर देती है। अब आपका ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, अब आपका जो लो है ये वाला अमेंड हुआ, अब आप कह सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है उसमें तब्दीली आ सकती है। तो आप इस तरह से मार्केट में मूव दे सकते हैं, तो इसे स्ट्रक्चर ब्रेक कहते हैं। आप मार्केट में बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग को तब ट्रेड कर सकते हैं जब आपको किसी रेंज में मार्केट मिलती है। अगर मार्केट ट्रेंड में है, बुलिश बेरिश इंगल्फिंग को ट्रेड मत कीजिएगा। पीएफसी लाइन की बात करें, ये भी टू कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज़ है कि मार्केट में एक बुलिश कैंडल है और जो दूसरी कैंडल है वो बेरिश, सॉरी, एक बेरिश कैंडल है क्योंकि ये बुलिश पैटर्न है, तो पहली कैंडल जो है वो बेरिश होगी और दूसरी कैंडल जो है वो बुलिश होगी, लेकिन वो गैप दे के नीचे ओपन हो रही है। अगर आप इसको भी गौर से देखें इस कैंडल को, तो ये भी मार्केट में गैप दे के ओपन होगी। आप देखें, ये थी हमारे पास एक बेरिश कैंडल और जो बुलिश कैंडल ओपन होगी उसकी ये वाली ओपनिंग प्राइस होगी और यहाँ से यहाँ तक जाएगी और इसके हाफ से ऊपर क्लोज कर जाए, ठीक है। अगर तो सारी को इनगल्फ कर गई फिर तो बुलिश इनगल्फिंग होगी। अगर ये हाफ से ऊपर क्लोज कर जाती है कहीं पे भी, फर्ज के इसका हाफ ये था तो इससे ऊपर क्लोज कर जाती है, तो इसे हम पीयर्सिंग लाइन कहते हैं, ठीक है। ये भी बुलिश पैटर्न है और इसकी रिलायबिलिटी भी मीडियम मानी जाती है, कुछ ज़्यादा हाईली रिलायबल पैटर्न नहीं है। अब ये देखें मार्केट, इसका हाफ जो ये था तो मार्केट जो है इसने यहाँ पे गैप ओपनिंग दी नीचे देने के बाद यहाँ पे, अब देखें बुल्स जो है, ये जो बेयर्स का इतना बड़ा प्रेशर आ रहा था, बुल्स ने उस बेयर्स के प्रेशर को, यानी वो जो सेलर्स का प्रेशर था उसको अमेंड करने की कोशिश की है और आधे से ज्यादा जो है वो जो ट्रेवलिंग दी थी उन्होंने उसको कर लिया। जितनी भी उन्होंने इतना सेलिंग प्रेशर दिया था उसकी ये रिजेक्शन करके मार्केट यहाँ इससे ऊपर क्लोज होगी। साइकोलॉजिकली देखें तो यहाँ पे जो बुल्स हैं, जो बायर्स हैं, वो ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं एज कम्पेयर टू सेलर्स, तो पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से बाइंग में जा सकती है क्योंकि बायर्स ने ताकत पकड़ ली है, ठीक है। यहाँ पे भी इसका गैप डाउन अगर हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में देखें, मार्केट में आते हुए इस तरह मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आ रही है, डाउन ट्रेंड में अगर आती है तो मार्केट में ये ज़्यादा रिलायबल पैटर्न नहीं होता, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता ट्रेड करने को। मार्केट आ रही है, आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने पीयर्सिंग लाइन पैटर्न दिया और देने के बाद मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चली गई है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आप किसी भी तरह से देख सकते हैं, रियल मार्केट में जो ट्रेडिंग है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है एज कम्पेयर टू एग्जाम्पल्स, ठीक है। यहाँ पे देखें मार्केट जो है ये अप ट्रेंड में जाती मार्केट है, इसमें आप इसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें अप ट्रेंड में जाती मार्केट है, यहाँ पे पीयर्सिंग लाइन पैटर्न बन रहा है और बेरिश कैंडल है, उसके बाद ये बुलिश कैंडल है और यहाँ पे आप इसको जो है इजीली ट्रेड कर सकते हैं और ये आपको अच्छी एंट्री दे सकता है। अगर ये अप ट्रेंड में जाती मार्केट में बन जाता है या किसी रेंज में बन जाता है आपको एंट्री दे सकता है, अदरवाइज डाउन ट्रेंड में आती मार्केट में आप कभी भी कैंडल को देखते हुए एंट्री ना लें। होता क्या है, हम लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं कि मार्केट एक जो है ट्रेंड में होती है, हम सिर्फ कैंडल स्टिक्स को देखते हुए उसमें एंट्रीज बना लेते हैं, तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, तो ऐसी गलतियां ना किया करें। यहाँ पे देखें ये एक जो है बेहतरीन एंट्री है, यहाँ पे मार्केट एक रेंज में चल रही है और उसी सपोर्ट पे आके मार्केट जो है रेंज में आके मार्केट इस लेवल पे आके पीयर्सिंग लाइन पैटर्न बना रही है और यहाँ से आप जो है बाइंग की एंट्री देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी एक कैंडलस्टिक पैटर्न आता है वो है मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार में बेसिकली तीन कैंडल्स होती हैं,
ये देखें बेरिश पैटर्न आ रहा है मार्केट में, बेरिश जो है बेयर्स हैं, रेड कैंडल्स हैं मार्केट में बनती आ रही हैं। यहाँ पे आने के बाद मार्केट में एक डोजी बनती है, ठीक है, डोजी बन सकती है, हैमर बन सकता है, या फिर कोई भी इस तरह की कैंडल, स्पिनिंग टॉप वगैरह बन सकता है, जो इन डिसीजन कैंडल होती है, यानी कि जिसमें कोई डिसीजन नहीं हो रहा कि मार्केट किस साइड पे जाएगी, लेकिन उससे अगली जो कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल बनती है, और ये एक बुलिश कैंडल जो है जो प्रीवियस कैंडल है उसके हाफ से ऊपर क्लोज कर देती है, ठीक है। ये जो बुलिश कैंडल है यानी इस प्रीवियस कैंडल के इसके हाफ से, अब देखें इसका ये हाफ है ना, तो इसके हाफ से ऊपर यहाँ पे जाके क्लोज कर रही है। तो ऐसे अगर हमारे पास इस तरह का कोई पैटर्न आता है तो हम उसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं। ये भी इसकी जो पोटेंशियल डायरेक्शन है वो बाइंग की तरफ होती है, ठीक है, इसकी जो पोटेंशियल डायरेक्शन है वो बाइंग की तरफ होती है। मैं इसकी भी आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ इस तरह से, और इसमें भी गैप का जो आंसर है ना वो भी बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, इसमें मार्केट में गैप इसमें होना भी ज़रूरी है। ये जो डूजी है ये थोड़ी सी नीचे ओपन होती है और नीचे ही क्लोज कर जाती है इनसे, ठीक है, और इसकी बॉडी जो है अमूमन बहुत छोटी होती है, और ये इनडिसीजन कैंडल रहती है, यहाँ पे आके वॉल्यूम्स बहुत डाउन हो जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि अगर ट्रेंड चेंज होना है तो वहाँ पे वॉल्यूम्स का भी डाउन होना बड़ा ज़रूरी है, मार्केट में मोमेंटम कम होना बड़ा ज़रूरी है। मार्केट का मोमेंटम कम हो जाता है उसके बाद अगली कैंडल्स में दोबारा से वॉल्यूम्स इन्वॉल्व होते हैं, दोबारा से मोमेंटम इन्वॉल्व होता है, फिर एक नया मोमेंटम शुरू होता है। हम इस मोमेंटम को देखते हुए कह सकते हैं कि यहाँ पे बुल्स जो हैं वो पावर में आ गए हैं। होता क्या है, एक बेरिश कैंडल है, अगली कैंडल गैप के साथ नीचे एक छोटी सी डूजी बन जाती है, और नेक्स्ट कैंडल जो है हमारे पास वो फिर एक गैप के साथ ओपन होती है, और यहाँ पे हमें ऊपर एक बुलिश कैंडल जो है वो दे देती है। तो इस तरह का अगर कोई हमारे पास पैटर्न आ जाता है तो हम उसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं। यहाँ पे भी आपको वही चीज़ जो है वो थोड़ा सा क्लियर करके नज़र आ रही होगी। उसके बाद ये देखें यहाँ पे भी जो है इस एग्जांपल में भी आप देख रहे हैं, इधर से गैप डाउन है, इधर से गैप अप है। एक गैप बड़ा ज़रूरी होता है इन चीज़ों में, ठीक है, अगर ये गैप ना हो तो ये चीज़ें जो है वो हर दूसरे मिनट में बंद ही होती हैं, तो हर बंदा जो है वो इसको ट्रेड इतनी इजी से ट्रेड करता है। यही इसके चीट पैटर्न्स हैं, क्योंकि इसमें गैप्स जो लोग नहीं ढूंढते, और बगैर गैप्स के इसको, बगैर जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई किए बगैर इसको ट्रेड करते हैं तो फिर वो लॉस उठाते हैं, ठीक है। हम अगर मार्केट में बात करें, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही होगी कि ये एक हमारे पास बेरिश कैंडल है, देखिए ये हमारे पास क्या एक बेरिश कैंडल है, उसके बाद ये यहाँ पे एक जो है हैमर बना हुआ है, और उसके बाद जो है मार्केट में एक बुलिश कैंडल आई है जिसने उसके हाफ से ऊपर क्लोज कर दिया। अब देखें इसमें गैप वाजे है, यहाँ पे भी गैप नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी गैप नज़र आ रहा है आपको, तो यहाँ ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं, मॉर्निंग स्टार कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जा रहा है। ओके, होप सो आपको मॉर्निंग स्टार जो है वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे भी देखें आपको मॉर्निंग स्टार जो है वो नज़र आ रहा है, इसमें गैप्स नहीं है, ठीक है। हाँ सॉरी, ये मैंने जो स्लाइड है ये इसलिए दिखाई थी, ये जो मैंने स्लाइड यहाँ पे दिखाई थी ये इसीलिए दिखाई थी कि मार्केट में यहाँ पे आपको गैप नज़र नहीं आएगा, ठीक है, और ये देखें देखने में ये पूरे पूरी तरह से जो है वो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये देखें बेरिश कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे एक हैमर है, उसके बाद जो है मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनी हुई है, ये भी मॉर्निंग स्टार की पूरी कन्फर्मेशन है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने आपका जो है एसएल वगैरह, या आपको मार्केट में वो डायरेक्शन नहीं मिल सकी जो मिलनी चाहिए थी यहाँ से, ठीक है, तो इतनी देर में जो है वो बंदा वैसे ही पजल होकर ट्रेड क्लोज कर देता है, तो ऐसा नहीं है। मार्केट में इस तरह का पैटर्न अगर बनता है उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट के पास एक वो प्रॉपर सपोर्ट लेवल हो, जहाँ से मार्केट बार बार आके वहाँ ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, और दूसरी चीज़ जो है वो इसमें यहाँ पे गैप्स होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करती तो आप उसको छोड़ देंगे, आप उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है बुलिश पैटर्न में,
वो थ्री व्हाइट सोल्जर्स हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये थ्री व्हाइट सोल्जर्स क्या होते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में आई है, यहाँ से रिवर्सल हुआ, उसके बाद तीन बुलिश कैंडल्स बन गई हैं। ठीक है, इन तीन बुलिश कैंडल्स को आप थ्री व्हाइट सोल्जर्स कह सकते हैं, थ्री ग्रीन सोल्जर्स कह सकते हैं। ठीक है, वो आपके कैंडल स्टिक कलर पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा कलर रखा हुआ है। अब ये देखें, यहाँ पे मार्केट में डाउन ट्रेंड में आ रही है, यहाँ से तीन कैंडल स्टिक्स बनी हैं और मार्केट में एक रिवर्सल का जो साइन है वो बना है, और यहाँ से आप इसको मान सकते हैं कि मार्केट बुलिश जा सकती है। लेकिन ट्रेडिंग के लिए मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको देखते हुए मार्केट में ट्रेड ले लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन के साथ मिलकर चलती हैं। अगर प्राइस एक्शन यहाँ पे कोई नहीं हो रहा तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको फ़ायदा नहीं दे सकती। यहाँ पे भी देखें, ये भी थ्री व्हाइट सोल्जर्स हैं। अगर इस तरह से आपको तीन कैंडल्स, और ये ख्याल करें कि इनमें वॉल्यूम्स और इनकी बॉडीज जो हैं वो अच्छी खासी होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी विक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जो है इसमें अच्छी एंट्रीज देख सकते हैं, और ये सपोर्ट लेवल के करीब करीब अगर बन रहे हों तो ज़्यादा बेहतर है, मार्केट रेंज में होनी चाहिए। यहाँ पे देखें, ये वाले भी सेम आपको थ्री सोल्जर्स, थ्री व्हाइट सोल्जर्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी आपको थ्री व्हाइट सोल्जर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और ये लॉन्ग हैं। देख, लॉन्ग इनकी बॉडीज़ हैं, ये छोटी छोटी बॉडीज़ वाले नहीं हैं। ये चीज़ इसमें मस्ट आपने देखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ट्विजर्स पैटर्न्स हैं। ये दो तरह के होते हैं, ये ट्विजर्स टॉप्स और ट्विजर्स बॉटम कहा जाता है इनको। अगर हम बुलिश पैटर्न्स की बात करें तो उसमें ये ट्विजर बॉटम होते हैं। तो ट्विजर बॉटम में जो है, आप इसको देखें, मैं ट्विजर बॉटम की एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इसमें तो इसमें देखें मार्केट जो है बेरिश कैंडल बनाती हुई नीचे आ रही है। नीचे से मार्केट में क्या होता है, रिवर्सल आता है। मार्केट में क्या आता है, ये देखें, यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन हुई है इतनी, उसके बाद मार्केट जो है इस यहाँ से ओपन होने के बाद दोबारा नीचे आई है, और यहाँ तक आने के बाद मार्केट में फिर रिजेक्शन हुई है, और फिर मार्केट जो है ये ऊपर जाके क्लोज हुई है। एक ट्विजर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ये देखें अगर आपको नजर आ रहा है तो, ट्विजर को तो आप जानते होंगे, ये ट्विजर की एक शक्ल इख्तियार कर लेता है, चिमटी जिसे कहते हैं। तो उस शक्ल में आप देखें नीचे से रिजेक्शन भी आ रही है, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि मार्केट यहाँ से इतनी रिजेक्शन हो गई है, उसके बाद बुल्स मोमेंटम में भी आ चुके हैं, तो हो सकता है मार्केट जो है यहाँ से अप ट्रेंड में चली जाए, मार्केट यहाँ से बाइंग में चली जाए। तो जो बायर्स होते हैं वो यहाँ से आके, जो बायर्स हैं वो कंट्रोल लेते हैं मार्केट का, और पॉसिबल होता है कि मार्केट जो है वो यहाँ से अप ट्रेंड में चली जाए। ठीक है, ये देखें ट्विजर बॉटम्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर आपको मार्केट की एग्जांपल में देखें तो इस जगह पे आपको ट्विजर बॉटम्स नजर आए। देखें कितनी अच्छी रिजेक्शन हुई है, प्राइस रिजेक्शन है, और इस रिजेक्शन के बाद मार्केट में जो है बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके जी, यहाँ तक आज के हमारे जो बुलिश पैटर्न्स थे वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। तो इनशाला कल हम बेरिश पैटर्न्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बुलिश पैटर्न्स जो हैं, मैं दोबारा से एक रिकैप दे देता हूँ जो आज हमने डिस्कस किया। उनमें से पहला था बुलिश इंगल्फिंग। तो बुलिश इंगल्फिंग में ये होता है कि मार्केट में छोटी कैंडल होती है और गैप के साथ एक अगली कैंडल ओपन होती है जो सारी को इंगल्फ करके चली जाती है। नेक्स्ट हमारा जो था पैटर्न पीसिंग लाइन था, उसमें भी यही होता है, एक बेरिश कैंडल है उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनती है जो कि गैप के साथ ओपन होती है और बहुत ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न था वो था मॉर्निंग स्टार, एक बेरिश कैंडल है लॉन्ग, उसके बाद एक डोजी बनती है गैप के साथ होगी ये भी, ठीक है, और उसके बाद जो है एक बुलिश कैंडल बनती है, तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाता है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हमारे थ्री व्हाइट सोल्जर्स हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि तीन लॉन्ग बॉडीड कैंडल होती हैं, ये शॉर्ट बॉडीड कैंडल नहीं होती, लॉन्ग बॉडीड कैंडल होती हैं, और ये सपोर्ट लेवल के पास अगर बनती हैं तो आप यहाँ से भी मार्केट में रिवर्सल देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा था ट्विजर पैटर्न्स, ट्विजर्स बॉटम देखते हैं हम जब बात कर रहे होते हैं बुलिश की। ये टॉप्स में कल पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, जब हम बेरिश मार्केट को पढ़ेंगे। आज बुलिश को पढ़ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ ट्विजर बॉटम्स जो हैं इनको हम स्टडी करते हैं। तो ट्विजर बॉटम की एग्जांपल में आप देखेंगे तो ये इस तरह से दो, एक बेरिश होता है और एक बुलिश होता है, दोनों बुलिश भी हो सकते हैं, कलर्स ज़्यादा डिपेंड नहीं करते इसके। तो मार्केट में ये जो है यहाँ से इस तरह से रिजेक्शन होती है, और रिजेक्शन होने के बाद मार्केट
यहाँ पे ऊपर क्लोज होती है, क्लोज होने के बाद मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम जो है वो देखा जा सकता होता है। होप सो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, ये कोई बंदा कह रहा है कि सर साइकोलॉजी किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी पे हमने एक जो हमारी 2-3 क्लासेस रही हैं, एक पूरा सेशन रहा साइकोलॉजी पे, एक साइकोलॉजी पे एक पूरा सेशन रहा है। हमने साइकोलॉजी पे काफ़ी बात की थी। उसके बाद जो साइकोलॉजी है वो आपकी ट्रेडिंग से बिल्ड होती है, कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजी जो है वो आपकी ट्रेडिंग से बिल्ड होती है। आप दिन में कम से कम 25-30 ट्रेड्स किया करें, डेमो पे बेशक कर लिया करें। जब आप ट्रेडिंग करेंगे बहुत ज़्यादा, तो आपकी जो है ना आस्ता आस्ता साइकोलॉजी खुद ब खुद बिल्ड होती जाएगी। ये एक्सपीरियंस से आती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग पे फोकस करें, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होती जाएगी। बाकी साइकोलॉजी की जो जनरल बातें हैं वो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की थी, इंशाल्लाह फिर जो है वो हम नेक्स्ट भी किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। सर, अगर ये पैटर्न किसी सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे बने तो फिर ट्रेड की जाए। जी हाँ, अगर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे, सिग्निफिकेंट कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है फिर बने, तो फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। मैं चले आपको इसको ना ट्रेड करने का ज़्यादा बेहतर आइडिया दे देता हूँ। मुझे आप 1 मिनट दे, मैं इसको ज़्यादा बेहतर आपको ना आइडिया दे देता हूँ। चलें, बात अगर आ ही गई है सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की, होता ये है मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। और अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट यहाँ पे आके एक रेंज बना देती है, ठीक है। यानी मार्केट यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल के अंदर, एक रेक्टेंगल के अंदर चलना शुरू कर देती है। अब देखिए, मार्केट पीछे से कहाँ से आ रही है, मार्केट अप ट्रेंड में आ रही है ना, अप ट्रेंड में आती है मार्केट यहाँ पे बना दे। तो यहाँ पे अगर इस जगह पे बन रहा है, ये देखिए सपोर्टिव लेवल है, इस जगह पे बन रहा है, तो आप इसको ट्रेड करें, ठीक है, और बाइंग के लिए दें। अगर मार्केट ऊपर से आती है नीचे बनाती है, तो फिर आप ना करें। अगर मार्केट में, होप सो मेरी बात को आप समझ गए होंगे, आपने अंडरस्टैंड किया होगा, अगर यही मार्केट यहाँ से आते हुए बनाए, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे जो है वो बुलिश इनगल्फिंग हो, तो आप ट्रेड ना करें, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ पे फिर बेरिश इनगल्फिंग जो इस जगह पे होगी ना, इस जगह पे बेरिश इनगल्फिंग, उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट ऊपर से डाउन ट्रेंड में आ रही है, इसने नीचे को फटना है। अगर आप यहाँ से ट्रेड भी करते हैं, तो मार्केट आपकी ट्रेंड में ही जाएगी, नीचे फट भी जाती है तो। अदरवाइज क्या होगा, अगर मार्केट आपने यहाँ से ट्रेड किया और मार्केट नीचे आ गई, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये जो है, अगर आप इस पर फोकस करें, तो होप सो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, जो बात मैंने कही है निशान, कि मार्केट अगर ट्रेंड के साथ आ रही है, बुलिश है, तो आप बुलिश इनगल्फिंग्स को ट्रेड कर सकते हैं। अगर बेरिश है, तो आप बेरिश इनगल्फिंग्स को ट्रेड कर सकते हैं। जी सर, समझ गया। ओके जी, चलें जी, ठीक है। सब लोग, अगर किसी को कोई इशू होगा, ग्रुप में डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह। अभी के लिए मुझे इजाज़त चाहिए, मैं ज़रा थोड़ा सा बिज़ी भी था, तो इस वजह से मैं आज दूसरी क्लास नहीं कर सकता। अदरवाइज हम आज मेरा इरादा था कि हम दो करके इसको मुकम्मल कर देंगे, बुलिश और बेरिश दोनों पढ़ा दूंगा, लेकिन जो है वो मैं थोड़ा सा बिजी होने की वजह से नहीं कर सका। इंशाल्लाह फिर जो है कल मुलाकात होती है, तो उसके बाद हम देखते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।